नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नचार न्यूज के यूट्यूब चैनल में। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी अपडेट एमसीसी को लेकर आ रही है कि चीन को झटके की तैयारी में है नेपाल। नेपाल के पीएम देउबा ने एमसीसी पर जोर दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने कहा है कि नेपाल में एमसीसी के तहत 50 करोड़ डॉलर के कार्यक्रम राष्ट्रीय हित के खिलाफ नहीं है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि नेपाल के अंदर एमसीसी समझौता लागू होने वाला है। नेपाल की हालत कितनी नाजुक होने वाली है, उनका सीधा अर्थ है कि वे चीन के बजाय अमेरिका को देश में लाकर विकास योजनाओं पर काम कराने के इच्छुक है, जबकि देश के सियासी दल एमसीसी समझौते के तहत अमेरिकी अनुदान सहायता को स्वीकार करने पर बटे हुए है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने अपने भारत दौरे से ठीक पहले चीन को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाकर मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन यानी एमसीसी के तहत अमेरिका से प्रस्तावित अनुदान सहायता की पुष्टि करने की जरूरत पर बल दिया है। उनका बयान ऐसे वक्त पे आया जब चीन यहां अपने प्रोजेक्ट लाने को आतुर था। नेपाल और अमेरिका ने 2017 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। एमसीसी कार्यक्रम के तहत अमेरिकी अनुदान सहायता देगा, जिसका उपयोग मुख्य रूप से नेपाल की ट्रांसमिशन लाइन को मजबूत करने पर किया जाएगा। यह निकट भविष्य में भारत को पन बिजली के निर्यात की सुविधा को भी प्रदान करेगा और नेपाल के सड़क नेटवर्क में भी सुधार करेगा। और अब नेपाल के अंदर एमसीसी लागू होने वाला है। नेपाल सरकार एमसीसी लागू करने पे पूरा जोर दे रही है, लेकिन चीन इसके विरोध में है और चीन इसका लगातार विरोध करता आ रहा है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुँच सके।